तो ये हमारी मेट्रो आ चुकी है, अब इसके अंदर हम एंटर करेंगे। अब हम इस टाइम निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन आ गए हैं, अब यहाँ से हम बाहर एग्ज़िट करेंगे। आप देख सकते हो कि हम निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, यहाँ से हम निज़ामुद्दीन दरगाह के लिए निकलेंगे। दरगाह तो आ चुके हैं पर यहाँ देख सकते हो आप कितना भीड़ है, तो हम किसी एक साइड में चलते हैं। तो हम साइड में आ चुके हैं, यहाँ से आने के बाद हमने फातिहा पढ़नी है, फातिहा पढ़ने के बाद दुआ करनी है, उसके बाद हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। तो नाज़रीन आपको दिख रहा होगा कि हम स्टेशन आ गए हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं और ये नज़ारा देख सकते हो आप। ये इस ट्रेन से इंशाल्लाह हम बरेली शरीफ के लिए जाएंगे। अब हम इसके अंदर एंटर करेंगे। हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू हो चुका है, दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो हुज़ूर सारे गुलामों पे ये इनाम। मुस्तफा के हदमों में मौत दे दे, मुस्तफा के हदमों नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, कैसा नूर। आ पहुंचा खास अपने शहंशाह के हुजूर, जब बंदा हाथ बांध के आया नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब बीका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। तो आप देख सकते हो कि हम अपने मंजिल यानी बरेली शरीफ रेलवे स्टेशन तक आ गए हैं, अब हमारी ट्रेन रुकेगी तो हम इसके अंदर से उतरेंगे। हम ट्रेन से उतर गए हैं और ये बरेली शरीफ रेलवे स्टेशन है, बड़ा ही सुनसान हो रहा है। अब यहाँ से हम बरेली शरीफ के लिए सवारी से निकलेंगे इंशाअल्लाह करीम। तो हम बरेली शरीफ पहुँच गए हैं, तो रात में भूख लगी थी तो खाना वगैरह का इंतज़ाम किया और यहाँ पे खाना खाए। खाना खाने के बाद हाज़िरी देने के लिए जब गए तो दरवाज़ा बंद हो चुकी थी, तो फिर हम लोग अब चलते हैं ऊपर।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, क्या बात है गुम्बदे रज़ा की, क्या नज़ारा है। फिर उसके बाद हमने ईशा की नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग सो गए। फिर आप देख सकते हो सुबह उठकर हमने हाज़िरी दी और दुआएं की, रिक्कत अंगेज़ दुआएं हुई। और फिर उसके बाद में बहुत ही बेहतरीन नज़ारा रहा ये आला हज़रत के दरगाह का, बड़ा ही इत्मीनान और सुकून वाली जगह है। यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बड़ा ही सुकून मिलता है। ये हमारे शाहिद भाई हैं, बच्चों ने कुरान मजीद पढ़ा। देखो आप, ये भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए माशाल्लाह बच्चे कुरान मुकद्दस पढ़ रहे हैं। और कहते हैं कि अगर आपको देखना है कि दरगाह पे हाज़िरी कैसे दी जाती है तो कभी आला हज़रत के दरगाह पर आके देखें, बड़ा इत्मीनान सुकून मिलेगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं ऊपर, तो ये ऊपर का नज़ारा है गुंबद-ए-रज़ा की। रज़ा प्यारे रज़ा वो बरेली के शाह मेरे अहमद रज़ा, इश्क नबी की दौलत हमको भी मिल जाए या अल्लाह, दे दे अगर हमको थोड़ा सा सदका आला हजरत का, दे दे अगर हमको थोड़ा सा सदका आला हजरत का। तो आपने ये हसीन मंजर देख लिया, तो आप लोग बताएं कमेंट करके कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको, और सब्सक्राइब भी करें। अब हम नाश्ता वगैरह, यहाँ नाश्ता किया, दुआएं पढ़ी, फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब यहीं से अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप लोग शेयर करें और कमेंट करें। जज़ाकअल्लाहु खैरा। रहनुमाए कामिला मेरा रज़ा, मेरा रज़ा इल्म फन का बादशाह।